पड़ोसी देश नेपाल में आए भूकंप से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मंगलवार को रात 8:52 पहला भूकंप आया जिसकी तीव्रता 4.9 रही। दूसरा झटका देर रात 1:57 पर आया जिसकी तीव्रता 5.6 रही। यह झटके गोरखपुर सहित कानपुर, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद कई जिलों में महसूस किए गए, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि पड़ोसी नेपाल देश में दीपालिया एक जिला है जहां पर दो राउंड भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला झटका 8:15 पर जिसकी तीव्रता 4.8 का पैमाना रहा और दूसरा झटका 1:57 पर आया उसका तीव्रता 5.6 रहा। यह झटका अपने जनपद में भी हल्का महसूस किया गया। कुछ छात्र पढ़ाई कर रहे थे, उनके द्वारा पुष्टि किया गया कि हल्का भूकंप का झटका आया था। उन्होंने बताया कि भूकंप का क्षेत्र अपने जनपद से काफी दूर होने की वजह से इस क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया। गोरखपुर जनपद भूकंप के लिए संवेदनशील है, इसलिए यहाँ पर संभावना व्यक्त किया जा सकता है कि कुछ दिनों में भूकंप के झटके महसूस होंगे। उन्होंने कहा कि पूरे जनपद में कहीं पर भी किसी से भी जनहानि और क्षति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर भूकंप आता है तो उससे बचने के लिए खुले स्थानों या किसी बड़े बिल्डिंग के कोने में जा सकते हैं, जिससे कि कोई भारी सामान आपके ऊपर ना गिरे। अगर भूकंप आता है तो बिल्कुल ना घबराएं, बल्कि दिमाग से बचने का उपाय करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा। USGS, ठीक है, आप जब USGS जो है यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, इसके आप साइट पे जाएंगे तो आपको इस पे लेटेस्ट अर्थक्वेक्स की ये सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। इस पे आप जैसे चेक करेंगे, ये ठीक है, अब ये देखिए अभी जैसे इन्होंने ये सूचनाएं आनी शुरू हो गई हैं कि विश्व में कहां कहां पर भी भूकंप के झटके आ रहे हैं, ठीक है। ये जो है 5.6, ये नेपाल वाला जो रात्रि काल आया था, ये इस पर आप अगर आप देखेंगे तो ये 5.6 का था और ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन आपको मैप पर ये शो कर देगा कि किस क्षेत्र में, देखिए इस क्षेत्र में ये भूकंप का झटका आया। अब आप इसको देखेंगे तो ये आपका केंद्र बिंदु ये पॉइंट था और यहाँ से आपका जो ये बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, ये जो डिस्ट्रिक्स हैं ये इससे काफ़ी नज़दीक थे, ठीक है, रामपुर, ये सब जो डिस्ट्रिक्स हैं इनके नज़दीक थे, तो ये इस रीजन के लिए ज़्यादा झटके महसूस हुए होंगे इन कंपेरिजन टू गोरखपुर। तो USGS जो साइट है, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, इसकी साइट पे आप जाकर के जो भी अर्थक्वेक्स के संबंध में जो भी सूचना है, क्योंकि बहुत से भ्रामक चीज़ें भी चलती हैं कि इस रेक्टर स्केल का आया ये भी, लेकिन इस पर आपको लेटेस्ट अपडेट सूचना ये विद इन 10-15 मिनट्स ये अपडेट कर देते हैं, इस पर सूचनाएँ आपको प्राप्त हो जाएंगी। देखिए एक्चुअली दीपालिया मतलब एक नेपाल में एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि जिससे करीबन 22-23 किलोमीटर दूर भूकंप के झटके आए थे, जिससे दो राउंड भूकंप के वहाँ पे झटके आए। एक तो कल रात में करीबन 8:52 पे था जो कि रिक्टर स्केल पे 4.8 उसका पैमाना रहा, लेकिन दूसरा झटका जो कल रात में तकरीबन 1:57 पे आया उसका जो रिक्टर स्केल पे था वो 5.6 था। तो जो ये रात में जो आया तो ये हल्की सी कंपन सी महसूस हुई है, क्योंकि रात में कई लोगों ने द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई, कई विद्यार्थियों जो रात में पढ़ रहे थे उन लोग द्वारा भी कॉल आया कि सर अभी इस तरह का एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ है, और तो उसके आधार पे ये है कि हाँ बहुत हल्का सा लाइट सा था क्योंकि काफ़ी दूर है गोरखपुर से उसका रीजन जो है, और चूंकि 5.6 रिक्टर स्केल का भूकंप था तो इसलिए कहीं बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में इस क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है, लेकिन चूंकि गोरखपुर सेस्मिक जोन 4 के अंतर्गत है, भूकंप के दृष्टिगत अति संवेदनशील जनपद है, इसलिए यहाँ पे इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं कि आगामी वर्षों में भी या कुछ दिनों में जब भी ऐसा होगा तो भूकंप के झटके यहाँ महसूस हो गए। नहीं, ऐसी कहीं कोई जनहानि की कोई सूचना नहीं है और बहुत स्लाइड सा था यहाँ पर, तो कहीं ऐसी कोई जनहानि या किसी प्रकार की कोई क्षति की कोई सूचना नहीं है। अगर भूकंप आती है तो भूकंप से बचने के लोगों से क्या अपील? देखिए अगर सर्वप्रथम कोशिश यही करें कि खुले और
क्षेत्रों में आप चले जाएं, खुले क्षेत्रों में चले जाएंगे तो आप बच सकते हैं। यदि अगर आप कहीं घर में हैं, अंदर हैं, उस दिशा में अगर जो कोने का जो पॉइंट होता है, दीवार का जो कोना होता है, वो सुरक्षित माना जाता है, वहाँ पर आप अपने आप को शरण ले सकते हैं, या किसी टेबल के नीचे आप जा कर के अपने आप को शरण ले सकते हैं, जिससे कि कोई डायरेक्ट जो भी चीज़ें हैं वो आपके ऊपर ना गिरे। और इस तरीके से आप ड्रॉप कवर होल्ड, जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी आप अगर कोशिश करेंगे तो वो उससे आप बच सकते हैं।